राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, चार राज्य, इंतजार 3 तारीख का, क्योंकि सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आ रहे हैं। 3 दिसंबर को नतीजे जो आएंगे वो 2024 से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग सभाओं में यह तक कह दिया था कि आप मुझे देख के वोट दीजिए, मैं ही यहां पर चुनाव लड़ रहा हूं, और बीजेपी विपक्ष को वोट देते समय यह समझिए कि यहां पर आप उसका गला ही दबा रहे हैं। लेकिन बीएसपी पर भी सबकी निगाहें, क्योंकि कांग्रेस अगर यहां पर मुकाबला जीतती है तो 2024 में वो विपक्षी पार्टियों को कम साथ में लेगी, मोलताल है वो कम करेगी, अगर बीजेपी जीतती है तो उसे लीड मिलेगी। अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दल यहां पर जीत कर आते हैं, अच्छा वोट लेकर आते हैं, तो फिर 2024 में उनका भी मोल भाव या सीटों का जो मोल भाव है उनके पास भी एक अच्छा ऑफर हो जाएगा कि वो मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर भी अपनी सीट मांगने के काबिलियत हो जाएंगे, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी सहित कहीं सारे राजनीतिक दल हो। पार्टियों की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर गोडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। कई सीटों के ऊपर बीएसपी निर्णायक मुकाबले को बना रही है, करीब 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी के कैंडिडेट काफी ज्यादा मजबूत है। अब दलित जो वोट है वो और उस कैंडिडेट का वोट कितना जुड़ पाता है ये तो नतीजे आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन अगर ये 20-25 सीटें पर जो मजबूत है वहां पर एक दर्जन से ज्यादा सीटें भी अगर बीएसपी जीत जाती है तो मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से डावाडोल हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरा खेल 5-10 सीटों के आसपास ही रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि 5-10 सीटों के ऊपर ही खेल होना है। तो ऐसे में अगर बीएसपी वो 5-10 सीटें निकलकर आ जाती है तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का वेटेज जो है अचानक से बढ़ जाएगा, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर भी उनकी राजनीति को बड़ा मोल भाव है वो दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में भी अपने लोकसभा के लिए भी सीट है, वो गठबंधन अगर करती है तो मांग सकती है, अकेले भी लड़ती है तो 10-12 विधायक उनके पास होंगे, तो 1-2 सांसद आपको बता दें कि वो आसानी से निकालने की संभावनाओं के अंदर रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि 2024 के लिए 2023 के जो चुनावी रण है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये नतीजे यकीनन भारत की राजनीति के लिए आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सहित कई राज्यों के अंदर लगातार 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रीपार्टी रही है, वहां पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई है कि आखिर इस बार क्या होगा। आपका प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करके जरूर